करो, ये जिस सिटी का मैं नाम लिखता हूँ ना, वॉलपेपर उसी का आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं चाइना लिखता हूँ तो ये उससे कुछ रिलेटेड आ जाता है। देख लो, बीजिंग। बीजिंग की स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा, जे के बाद एक और आई है, बीजिंग आ गई। और भाई दूसरा कोई ऐसा सिटी बताओ, न्यू बिल्कुल। सही है यार, अच्छा बना दिया तुमने ये, वेल्डन यार। अच्छा, इसमें फोरकास्ट नहीं लगाया तुमने? फोरकास्ट भी लगा लेना। अच्छा, ये उसामा मकसूद है, इन्होंने भी ये फोरकास्ट के साथ बनाया है। चलिए, और हमारे पास है उमेर मलिक। अच्छा, ये प्रेयर टाइमिंग की ऐप है, उबैद उमर की है ये। ये क्या हुआ यार, आके गायब हो गई। अच्छा, ये डबल ट्रिपल आ गया, रिफ्रेश करता हूँ। सही है। अच्छा, जब तक एपीआई कॉल होती है ना, जब तक कोई लोडर शो नहीं हो रहा। कौन है ये जिसकी ऐप है? किसकी आपकी ऐप है ये? इसमें ना ऐसा कुछ कीजिएगा कि जब तक वो एपीआई के कॉल का रिस्पांस नहीं आ जाता, जब तक एक लोडर शो होता रहे, क्योंकि ये अजान वाली एपीआई ना थोड़ी स्लो है, थोड़ी देर में रिस्पॉन्स करती है। वेदर वाली तो बड़ी फास्ट है, फ़ौरन आती है, लेकिन ये बाई डिफ़ॉल्ट ही थोड़ी स्लो है। अच्छा भाई, वेदर ऐप। सही है यार, अच्छा बना है। ये क्या हुआ है? ये कुछ सीएसएस में गड़बड़ हो गई है शायद। ये भाई सीएसएस खराब हो गई है तुम्हारी। सिटी नेम और कंट्री नेम भी लिखना होगा। उसामा मसूद, ये सिटी नेम के साथ कंट्री का नाम क्यों लिखना पड़ रहा है? ऐसी ही है उसमें? नहीं, सिर्फ ऐसा तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ खोल के एक दफा। अल अज़ान है ना। अल अज़ान की एपीआई में चला गया मैं, एपीआई और प्रेयर टाइमिंग वाली एपीआई में जाना था मैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या है, हमें चाहिए प्रेयर टाइम कैलेंडर है एक। देखो, उसके बाद क्या है, प्रेयर टाइम बाई एड्रेस है, बाई सिटी है, तो हमें बाई सिटी वाला चाहिए ना, तो सिटी वाले में जाते हैं अब। अच्छा, सिटी वाले में कंट्री भी मांग रहा है और सिटी भी मांग रहा है। अगर मैं सिर्फ सिटी लिख दूँ तो क्या है, नहीं चल रहा, एरर दे रहा है। अच्छा, तो फिर एड्रेस वाला यूज़ कर लो, अभी चला के देख लेते हैं ना हम इसको। ये जो ये रही ना इसकी एपीआई, अब इसकी एपीआई मैंने कॉपी कर ली और कॉपी करके नए टैब में गया, पेस्ट कर दी मैंने। और पेस्ट करके मैंने क्या बोला कि पैरामीटर्स में इसको सिटी देना है ना मुझे सिर्फ, तो मैं सिर्फ सिटी देकर देखता हूँ कैसे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क, सिटी इक्वल्स कराची, एंटर। बैड रिक्वेस्ट कह रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे सिटी बाई सिटी वाला नहीं चलेगा, तो एड्रेस वाला करके देख लेते हैं। एक इसमें बाई एड्रेस भी आ रहा था ना, एड्रेस में कुछ भी लिख दो चल जाता है। अच्छा, तो ये एड्रेस करके कह रहा है, इसमें देना है, ठीक है, बजाय सिटी या बजाय वो करने के एड्रेस करके देना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे,
और मैं सिटी की जगह इसको क्या बोल देता हूँ, ए डबल डी आर ई डबल एस, एंटर। क्या हुआ ये, एड्रेस की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, डी सिंगल है। एक मिनट, नहीं ये एपीआई तो स्टिल वो पुरानी वाली लगी हुई है ना, और मैं इसमें डाल रहा हूँ तो मुझे पूरी एपीआई भी उसी की कॉपी करनी होगी, ये वाली ना बाई एड्रेस वाली कॉल करनी होगी मुझे, ये मैं पुरानी एपीआई में एड्रेस लिख के दे रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क ए डबल डी आर ई डबल एस इक्वल्स कराची, क्या आ गया, सही है। तो ऐसे जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही थी वो ऐसे करके करेंगे, जो बाई एड्रेस है ना। अच्छा, इसमें बाई द वे इसको तो चाहिए होता है कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ कराची नाजमाबाद दो नंबर लिखूँगा तो भी पकड़ेगा ये, इसके अंदर एड्रेस के अंदर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। एड्रेस कहीं का भी आप लेते हैं ना, इसमें गूगल वाला एड्रेस बाई द वे आप उसको दे सकते हैं, जो गूगल पे एड्रेस शो होता है ना वो इसको आप दे सकते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन वेल एड्रेस में सिर्फ कराची भी तो एड्रेस ही है ना, तो उस पर ये चल रहा है, ये आपको डेटा इसने ला के दे दिया, नमाज की टाइमिंग का डेटा ला के दे दिया इस लोकेशन का जिसका भी आपने एड्रेस पास किया था। तो भाई साहब इसको आप कर लीजिएगा चेंज, सही है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है क्या? वाईक सलाम। अच्छा, ये है जैद आसिम, इन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग की है कि सिटी के साथ मैं मंथ भी लिखूंगा तो उस मंथ का लेकर आ जाएगा ये। अच्छा गुड यार, कराची और मैंने कहा मंथ मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पे कई बंदे ट्रैवल वगैरह करते हैं तो मुझे बाद के मंथ का चाहिए, मुझे 12वें महीने यानी दिसंबर का चाहिए, दिसंबर 2022 का मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या टाइमिंग होगी। वेल्डन यार, क्या बात है आप, तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि किसी को भी अगर रमज़ान का कैलेंडर वगैरह छापना है तो बस ये करेगा, छप जाएगा कैलेंडर, अच्छा बनाया आपने। अच्छा एक काम कीजिएगा, काम ये कीजिएगा कि मंथ जो अभी चल रहा है ना और अभी जो एयर चल रहा है वो इसमें पहले से लिखा हुआ हो वैल्यू के अंदर, हो जाएगा ना, ये मुश्किल तो नहीं है, ताकि क्योंकि अभी मुझे कुछ सिर्फ सिटी लिख के एंटर करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट करंट मंथ का आ जाए, और अगर मैंने चेंज करना है तो मैं उसको चेंज भी कर दूँ। अच्छा अच्छा बनाया यार आपने, बहुत अच्छा बनाया, वेल डन। अच्छा यार ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये वाला क्या सीन है, ये मेरे पास भी आ रहा था ना लास्ट, पता नहीं क्या सीन है, ये इसमें भी हो रहा है। अच्छा जिस जिसने मेरा वाला कॉपी किया था ना सबके पास वो इशू आ रहा है, मेरा वाला जिस जिसने कॉपी किया था सबके पास आ रहा है। अब मेरे कोड में कुछ ऐसा इशू था वो जो मुझे भी पता नहीं चला, मैंने कहा चलो कोड तो पूरा कर लें, इशू देख लेंगे बाद में। तो किसी को पता चला कि ये क्यों हो रहा है, कोई है ऐसा इस क्लास में जिसने आइडेंटिफाई कर लिया हो, मेरे में ये इशू हो रहा है बाकी सबका सही चल रहा है। अच्छा मेरे क्रोम में इशू आ रहा है, वही ना, मतलब मैंने कोई ऐसा कोड लिख दिया उसमें जो मेरे क्रोम के अंदर मसला कर रहा है ना। मेरा क्रोम वैसे देख लेता हूँ मैं अप टू डेट है या नहीं है, अबाउट, अबाउट कहाँ होता है इसका, ये रहा अबाउट द गूगल क्रोम, क्रोम क्रोम क्रोम। अच्छा मेरा वैसे ये वाला वर्जन है ना आर्म वाला, तो मे बी इसके अंदर कोई बग हो, मे बी, ठीक है। आप सबके पास जो चल रहा है वो x86 है, अभी ये आर्म आ गया नया वाला ना, अब नए कंप्यूटर जितने आएंगे ना ये आर्म वाले होंगे, x86 से आर्म पे विंडोज़ भी मूव कर रहा है और एप्पल भी मूव कर रहा है, सब लोग आर्म पे जा रहे हैं। जो पर्सनल कंप्यूटिंग है उसमें आर्म जो है वो क्या होता है, बड़ा बैटरी एफिशिएंट होता है। अभी जैसे लैपटॉप होते हैं ना बड़े बड़े, भाई 2-2 लाख के लैपटॉप है लेकिन बैटरी उनकी चलती है 2 ही घंटे, तो ये वाला मसला कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहा है आर्म। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल डिवाइसेज हैं
उसमें परफॉर्मेंस तो इतनी ज़्यादा हमें चाहिए नहीं होती ना, परफॉर्मेंस इतनी आ गई है मोबाइल फ़ोन में कि वो लैपटॉप से ज़्यादा है। मतलब लिटरली मेरे पास, मेरा फ़ोन में जितनी पावर है ना कंप्यूटिंग पावर, वो इस लैपटॉप से ज़्यादा है। ऐसा है अभी चल रहा है मतलब ऐसा मार्केट में। तो फ़ोन आर्म पे होते हैं जितने, फ़ोन तो शुरू से आर्म पे हैं, तो अब ये लैपटॉप को भी आर्म पे मूव कर रहे हैं। ये विंडोज़ 10 जो आई है ना, ये बाई डिफ़ॉल्ट आर्म के, आर्म को जहन में रखते हुए बनाई है उन्होंने, वो विंडोज़ 11 जो है, 10 बोल रहा हूँ। अच्छा तो भाइयों बड़ा अच्छा बनाया आप सब लोगों ने। ओके अच्छा, कुछ और भी लोगों ने भेजा है लिंक। अच्छा हमजा बिंदर, तुम अच्छा बनाया यार तुमने। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो ये वाला है टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो क्या है वो टेक्स्ट बॉक्स जैसा जो दिख रहा है? अरे शुरू में उसको नज़र नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है शुरू में उसको गायब रहना चाहिए। ये तुमने कहाँ से कॉपी किया भाई? दर हैं खुद लिखा है गोल्ड। अच्छा अच्छी बात है। असल में दूसरे सेक्शन के एक स्टूडेंट ने ना बिल्कुल सेम उसी तरह का बनाया है। मतलब ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं था वो। तो फिर YouTube में किसी ने मुझे बताया था कि YouTube की वो वीडियो वो ऐसी बिल्कुल ऐप बनवा रहा है वेदर की, तो ये मेरा ख्याल है आपने उसको देख के बनाया है। अच्छी बात है और यही चाहिए। हाँ नहीं नहीं यही करना है, यही करना है, अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। अगर कोई इंटरनेट जैसे अभी टेम्पलेट्स, अभी आपको मैंने नहीं बताया, मैं टेम्पलेट्स भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ये तो अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये आप क्योंकि वेब की क्लास नहीं है, ये चैटबॉट की क्लास है। तो ये बने बने ना टेम्पलेट होते हैं, बता देता हूँ अभी बल्कि लगे हाथ ना। देखो HTML 5 टेम्पलेट, भाई मिसाल के तौर पे कोई कह रहा है ना वेबसाइट बनवानी है, तो HTML 5 टेम्पलेट लिखा, मैंने कहा भाई हेयर सैलून, ठीक है। तो ये ना सारे फ्री टेम्पलेट्स आ गए, बनी भी वेबसाइट्स हैं। अच्छा ये फ्री वाला नहीं है, मैंने पेड वाला खोल दिया शायद, फ्री फ्री वाला खोलता हूँ, फ्री HTML 5 टेम्पलेट्स। ये बनी हुई वेबसाइट्स हैं सारी ना, सही है, ये बनी हुई वेबसाइट्स हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ, अच्छा मैंने हेयर सलून लिखा नहीं ना इस दफा, मैंने देख रहे हो ये सारी बनी हुई वेबसाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे हेयर सलून में कुछ इस तरह की वेबसाइट चल जाएगी शायद, तो मैंने डाउनलोड करके देख लिया, ठीक है। यहाँ पे लाइव डेमो भी है इसका, लाइव डेमो पे क्लिक करूँगा खुल के आ जाएगी वेबसाइट पूरी। अब ये देख रहे हो डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे, सब पे रिस्पॉन्सिव है, खुद से किया हुआ है सब कुछ इन्होंने। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, यहाँ पे शो हो गई है ये फाइल पूरी, ये फाइल क्या हो गई मेरे पास डाउनलोड होकर शो हो गई है। तो मैं VS Code ओपन करके ना आपका जो कोड का फोल्डर है वहाँ पे इसको ले जाता हूँ, और वहाँ पे ले जाके इसको खोल के चला के एक नज़र देख लेते हैं। ओपन रीसेंट बैच 2A। अच्छा ये है ना जावास्क्रिप्ट वेदर ऐप, ये हमने यहाँ तक जावास्क्रिप्ट खत्म कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ES6 ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ 22 HTML 5 टेम्पलेट, सही है HTML 5 टेम्पलेट करके ना मैंने इसके अंदर एक था इंडेक्स वो उड़ा दिया, और ये सारी की सारी फाइलें मैं कहाँ लेकर आ गया, ये जो मैंने अभी डाउनलोड की है। ओ क्या किया मैंने, ये सारी फाइलें मैं क्या करके कॉपी करके, कैसे होगा ये ड्रैग होगा, ये ड्रैग होके ड्रॉप कर दिया मैंने, सही है। तो ये कौन सी वेबसाइट है जो अभी अभी मैं
टेम्पलेट डाउनलोड किया ना वो वाली है। अब इसके अंदर देखो कितने फोल्डर है, एसेट्स का फोल्डर है, राइट। इसको गौर से देखो, बड़े काम की बात है, ये बड़े काम आएगी आपके। ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि अभी जितना आपने पढ़ाई कर ली है ना, ये पढ़ाई करने के बाद कल से आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, आज रात से कर सकते हैं अगर ये बात आपने अच्छे से समझ ली हो। कल रात से आप फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर सकते हैं अगर ये बात आपने ठीक से सुन ली हो। फ्रीलांसिंग में क्या आता है कि यार वेबसाइट बनानी है, मेरी एक मिठाई की दुकान है उसकी वेबसाइट बना दो, तो ये वो बता रहा हूँ आपको कि वो कैसे बनेगी, ठीक है। बाकी तो अभी हम पढ़ते रहेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ कोर्स। अच्छा, तो सबसे पहला फोल्डर है एसेट्स। एसेट्स में CSS, JavaScript, SAS, ये इसको आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको बंद रखना है। इमेजेस, जितनी भी वेबसाइट में इमेजेस यूज हुई हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इमेजेस जाहिर है रिप्लेस करेंगे आप, उस बंदे के लिए लगाएंगे इमेज। अच्छा, उसके बाद है एलिमेंट्स, जेनेरिक, इंडेक्स, ये तीन पेजेस हैं इसके। तो हमें कौन सा खोलना है? इंडेक्स का पेज। तो इंडेक्स का मैंने क्या किया, कॉपी पाथ, ये रहा कॉपी पाथ किया इंडेक्स का, और इंडेक्स की फाइल को मैंने कहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे जाके ओपन कर दिया, ठीक है। ये खुल गया भाई, इधर से खुल गई। ये अभी मैंने डाउनलोड किया, फ्री टेम्पलेट है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेदर ऐप का भी टेम्पलेट तो होगा कोई ना कोई इंटरनेट पे। नमाज टाइमिंग की ऐप का, या प्रेयर टाइमिंग क्रिश्चियंस की भी होती है, प्रेयर टाइमिंग की ऐप, ठीक है, क्योंकि वो भी संडे वनडे का उनका एक स्केजुअल होता है, तो उसका कोई ना कोई टेम्पलेट तो होगा, बनाया होगा लोगों ने। अच्छा, अब देखते जाओ कैसे चल रही है ये। ये सिंगल पेज वेबसाइट है, ये इसकी इमेजेस हैं जो कि डाउनलोड नहीं हो पाई है किसी वजह से शायद। अच्छा, देख रहे हो इमेज लोड नहीं हुई है, तो उसका प्लेस होल्डर कैसा आ रहा है, अच्छा सा प्लेस होल्डर भी आ रहा है। मैं ज़रा एक नज़र मार लूँ नेटवर्क पर कि ये लोड क्यों नहीं हुई इमेजेस। इमेज पता नहीं लोड क्यों नहीं हुई, लाइव सर्वर पे चलाता हूँ, शायद उस पर हो जाए। ये रेडी टू गो वेबसाइट्स होती हैं जो आप डायरेक्ट आप जो है ना इसको होस्ट कर सकते हैं, मतलब इमेजेस इसमें लोड नहीं हो रही हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप उसका पाथ वाथ का कोई इशू होगा आप वो सही कर लेंगे, सेट हो जाएगी वो इमेज, सही है। ये नीचे पूरा रिस्पॉन्सिव सब कुछ बना हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं। इसकी देखो रिस्पॉन्सिवनेस, ये छोटा हुआ रिस्पॉन्सिव कर गया। ऊपर देखो मेन्यू का बटन बना हुआ है, साइड से मेन्यू खुलता है। जेनेरिक एलिमेंट्स, ये तीन पेज थे ना इसके, तो मैं जेनेरिक वाले पेज पे गया तो स्क्रॉल करके वो उस पेज पे आ गया, स्क्रॉल करके नहीं मूव करके आया, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स एक पेज था, ये एलिमेंट्स के पेज पे आ गया मैं। अब मिसाल के तौर पर सैलॉन है या जो भी है, उसमें यहाँ पे आइटम वन आइटम टू के भाई दाढ़ी मूछ शेव खत, उसके सामने डिस्क्रिप्शन के इसमें होगा क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, और प्राइस उसके सामने लिखी हुई, यही तो चाहिए होता है किसी भी नॉर्मल वेबसाइट में, और क्या चाहिए होता है हमें, यही तो चीज़ें हैं जो बनानी होती हैं हमें, ठीक है। देखो कोड भी लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, अगर कोई डेवलपर से रिलेटेड कोई है ना चीज़ तो उसमें कोड बीच में आता है, तो कोड भी लिखा हुआ है, हेडिंग सारी लिखी हुई है, जो जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं ना वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अलग से बनाए हुए हैं इसमें, आइकन वाइकन फॉर्म्स। तो आपको कहीं पे भी फॉर्म लगाना है ना, आप इतना पार्ट इसका कॉपी करेंगे HTML में जाके और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो फॉर्म तैयार हो गया आपको। तो दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट्स, ये बना हुआ प्लेन HTML CSS में ही है। अब आपने क्या करना है, ये सेंड मैसेज के बटन पे कोई फंक्शनैलिटी लगानी होगी वो आप लगाएंगे, वो इसमें लगी भी नहीं है, वो खाली है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे इसमें से ये जो इमेजेस हैं यहाँ पर, इमेजेस का इन्होंने प्लेस होल्डर लगाया हुआ, आपने क्या करना है उसकी जगह एक्चुअल इमेज लगा देनी है जो आपको क्लाइंट आपका देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिठाई है, कोई मिठाई की दुकान है, या कोई वॉचेस की दुकान है, या कोई ज्वेलरी की दुकान है, तो वो अगर डायमंड की रिंग्स बेचता है तो या डायमंड की रिंग की फोटो आ गई, साथ में पूरी उसकी कहानी आ गई कि भाई डायमंड हमने कैसे शुरू किया, क्या होते हैं डायमंड, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके कुछ चांदी का भी अगर वो काम कर रहे हो, या चांदी का कोई जेवर की फ़ोटो आ गई, साथ में ये आ गया कि यार हम जो चांदी जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों वो लेते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। फिर चांदी होता है कि बाद में पॉलिश कराओ फिर नया हो जाता है, इस तरह की जो बातें सारी वो लिखती हैं एक वेबसाइट में। आपको और क्या चाहिए होता है, यही होता है। और टेम्पलेट्स हज़ारों की तादाद में भरे पड़े हैं। मैं वापस जाता हूँ गूगल पर और मैं इमेजेस में जाऊँगा ना, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स बने हुए पड़े हुए हैं कि आप माइंड ब्लोइंग है। इस तरह के टेम्पलेट्स सारे मार्केट में बने हुए मौजूद हैं, आप नाम लिखेंगे
और वो टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। पेड भी वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, $10-15 के होते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा ही पसंद आ गया कोई टेम्पलेट तो वो फिर ख़रीद भी सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये अभी जाके ना, आज आपने घर जाके फाइवर पे गिग बना देनी है कि आई विल मेक लैंडिंग पेज फॉर योर कंपनी या फॉर योर बिजनेस। बंदा बोलेगा यार मुझे लैंडिंग पेज बनवाना है, वो बताएगा यार ऐसा बनाना है। आप सिमिलर कोई टेम्पलेट सर्च करो, उसको दिखा दो कि यार ये बना के रखा हुआ है मैंने, इस पर आपका नाम लगा दूंगा मैं, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है बाय द वे कि आपने टेम्पलेट किया है या कहाँ से किया है। उसको कहना यार ये बने हुए मेरे पास, बताओ किस में आपकी डालनी है वेबसाइट। बन गई वेबसाइट आपकी, कोई मुश्किल है? ये आसान है बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ये वाला काम करके ना आप ईजिली महीने में अगर आपने 2-3 भी बना लिए, 20-50 डॉलर के आपने अगर 2-3 भी बना लिए, तो 150-200 तो बना लोगे ना डॉलर। 150-200 डॉलर कम नहीं होते। $200 पता है कितने होते हैं? तकरीबन 45,000 बनते हैं पाकिस्तानी अभी के रेट के हिसाब से। पहले तो कम बनते थे, पहले तो $200 20,000 बनते थे, लेकिन अभी बहुत डबल हो गया रेट। यार ये तो मुझे नहीं पता, फाइवर पे एसईओ करने की मुझे तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बंदे आ रहे होते हैं, हम बोलते हैं भाई जाओ भाई, नहीं है टाइम नहीं है। नहीं, ये तो मेरे पे डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं, अभी भेज दो। नहीं नहीं, वहाँ पे भाई बंदे बहुत कम हैं वहाँ पे फाइवर पे, और काम बहुत ज़्यादा है। ये तो तुम छोड़ दोगे तुम्हें एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ कर सकते हो, तुम सर्च कर लेना, लोगों ने डाला होगा बना के वीडियो कि कैसे होता है एसईओ। मैंने कभी, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैंने कभी खुद नहीं किया, ठीक है। लेकिन होपफुली ज़रूरत पड़ेगी नहीं उस पर, बंदों के मैसेज खुद ही आते हैं। आपने 2-4 अच्छे अच्छे बना के डालोगे ना फोटो, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, मतलब ऐसी 2-4 बनी हुई होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, और बन के होस्ट होनी चाहिए, हो जाएगी ना ये तो आराम से। इसी को उठा के इसमें फ़ोटो अच्छी अच्छी लगा के इंटरनेट से। अच्छा, फ़ोटो कहाँ से उठाओगे? अनस्प्लैश से, ठीक है। अच्छा, इस अनस्प्लैश जो है उसको क्या बोलते हैं, उस तरह की वेबसाइट को, उसको कहते हैं स्टॉक फोटोज़, ठीक है। तो लिखोगे फ्री स्टॉक फोटोज़, सही है। तो फ्री स्टॉक फोटोज़ में देखो अनस्प्लैश दूसरे नंबर पर, pixels.com पहले नंबर पर। तो मैं पहले वाले पे चला जाता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। नहीं, खुद बहुत चेंज करनी भी नहीं है ना, एक बार अच्छा उठा के लगा दिया फिक्स हो गया। वेबसाइट में आमतौर पे ऐसा होता भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे हेयर ड्रेसर का चाहिए ना, हेयर सैलून, आ जाएंगी सारी फोटोज। तो लैंडिंग पेज में जो ऐसे बैनर आ रहा है उसकी जगह पे ये लग जाए, अगर कॉम्प्रेस ना भी करो खैर हो गई, पोर्टफोलियो के अंदर तो खैर है। बाय द वे इसको कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, सही कह रहा है ये, ठीक है। कॉम्प्रेस करने के लिए जो टूल्स होते हैं फेस फोटोशॉप में भी होता है, और एक जुगाड़ी तरीका भी है कॉम्प्रेस करने का, क्या है बोला वो, कि उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना, सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके दोबारा डाउनलोड कर लो, डिलीट कर लो, कॉम्प्रेस ऑटो हो जाती है, सही है। फेसबुक पे जब आप इसको लोड अपलोड करेंगे ना, फेसबुक पे अपलोड करके उसको डाउनलोड करो और फिर डिलीट मार दो वहाँ से, तो वो कॉम्प्रेस का जुगाड़ी तरीका है। या व्हाट्सएप पे ना अपने ही नंबर पे सेंड कर दो, ऑटोमेटिक उसको कॉम्प्रेस करके छोटा करा देता है वो लेकिन वो समटाइम क्वालिटी भी ख़राब कर देता है। तो देख लेना गूगल करके कि कौन सा वाला जो तरीका है ना वो प्रोफेशनल है, ठीक है। ये इतनी सारी फ़ोटोज़ आ गई, मिसाल के तौर पे कोई कार की वेबसाइट है, कार शोरूम, ये लो भाई कार के शोरूम्स आ जाएंगे अब। लैंडिंग पेज में ये सही रहेगा बैनर, 16x9 में इसका ये ग्रिल दिख रही हो सामने, मतलब इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये ग्रिल दिख रहा हो ऐसे 16x9 में, और इसके ग्रिल के नीचे वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, क्योंकि वो डार्क बैकग्राउंड का टेक्स्ट है ना, तो ऐसे ग्रिल के नीचे जो शेडो है इसके अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, सही नहीं है, अच्छा लगेगा। तो बस ये अब आपके ऊपर है कि अब आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। इसी तरह अनस्प्लैश में भी ज़रा जाके देख लेते हैं। तो फ्री स्टॉक फोटो उठानी है, वरना कॉपीराइट वगैरह का इशू भी आ सकता है बाद में। पिक्सल से नहीं आता, अनस्प्लैश से भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन स्टिल किसी भी वेबसाइट से अगर उठा रहे हो, देख रहे हो ये सारी फोटोज़ पड़ी हुई है, फ्री है। कोई ट्रैवलिंग की अगर बना रहे हो वेबसाइट,
तो उसमें ये लैंडिंग पेज पे शो करा सकते हो, ठीक है, या चार पांच उसमें सेलेक्ट करके उसको रैंडमली चेंज करवा भी सकते हो, ये तो सब आप लोगों को आता है। तो ये हमने देखा कि भाई हमें पूरा दिमाग अपना लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स इतने सारे मौजूद हैं कि उसमें हम जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जिनको कम पैसों में अच्छी वेबसाइट चाहिए, उसके बाद 20-25-30 डॉलर का बजट है, या कोई पाकिस्तानी दोस्त है आपका, क्लाइंट है, उसका बजट 20-25,000-40,000 उसका बजट है, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं यार 40 में नहीं, मैं 20 आपको बना के दूंगा, मैं 20 में आपको बना के दे सकता हूँ, आप उसको फ़ोटोज़ ले लो सारी, उससे आप डिटेल्स ले लो सारी, एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वो तो कार्ड पर लिखा हुआ ही होता है, कार्ड भी ले लो उससे, बना के दे दो उसको। होस्टिंग जो है वो फायरबेस पे फ्री है, जीएच पेजेस पे भी फ्री है, नेटलीफाई पे भी फ्री है होस्टिंग, सर्ज है, इतने सारे फ्री होस्टिंग है, किसी पे भी होस्ट करके दे दो, बोलो हो गया भाई, दो मिनट भेजता, और अगर उसको कस्टम डोमेन लगाना है तो उसको बोलो ख़रीद के दे दो डोमेन, लगा दूंगा, ठीक है, डोमेन अटैच करना बहुत ईजी है, उससे बोलो डोमेन ख़रीद के दे दे, यूट्यूब पर मेरी वीडियो एक शायद बनी हुई है डोमेन अटैच कैसे होता है, ठीक है, वो मैं, अगर किसी को ऐसा काम किसी के पास आ जाए तो मुझसे बताना, मैं वो वीडियो ढूंढ के आपको दे दूंगा, उससे देख के कर लेना कैसे अटैच होती है, ठीक है, तो कोई इतना मसले की बात नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है, तो फ्रीलांसिंग आज से स्टार्ट। अच्छा, उसके अलावा क्या करना है, इंटरव्यूज़ देने शुरू करना है, फ्रीलांसिंग में तो बना के छोड़ दिया ना गिग, अब तो वो खुद मैसेज करेगा बंदा, खुद मैसेज करेगा, वो मोबाइल में आपके ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, फाइवर की जब अपवर्क जिस पर भी कर रहे हो उसकी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास, और ताकि मैसेज करें ना फ़ौरन जवाब दें आप उसको, ये नहीं कि मैसेज करके आप दो घंटे बाद आप जवाब दें, दो घंटे में तो हो गया, फिर जवाब फ़ौरन दे रहे हैं उसके मैसेज का, जवाब फ़ौरन नहीं दिया तो फिर गया वो, फिर अगले का वेट करो, अगले क्लाइंट आने का, इतने देर में आपको इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ ना, रिएक्ट चाहिए, ये चाहिए, कुछ NLP AI चाहिए, जो भी बोलो सब आता है, इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है, इंटरव्यू पास होने की नीयत से नहीं जाना है, फेल होने की नीयत से जाना है, इंटरव्यू देने से भी बहुत कुछ सीखता है बंदा, तो इंटरव्यू देना शुरू करो, डेली बेसिस पे 3-4 इंटरव्यू दो, जितना ज़्यादा हो सके दो, ठीक है, हफ्ते में 2-4 तो दे ही दो कम से कम, तो लिंक्डइन है, फेसबुक है, जहाँ जहाँ पे जॉब्स आई भी होती हैं, अभी वो जो आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसके अलावा फेसबुक पे भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं बहुत सारे जॉब्स के, एक अभी जो मेरा रिसेंट ऑनलाइन ये वाला शुरू हुआ है कोर्स चैटबॉट का, उसका भी व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वो लिंक लगा हुआ है मेरे फेसबुक की पोस्ट पर ना, ये वाला ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें भी कुछ लोग हैं वो जॉब्स वगैरह बड़ी डाल रहे हैं आजकल, तो जॉब्स को हंट करो, कुछ आता है नहीं आता है बोलो भाई सब आता है, और इंटरव्यू दो जाके, इंटरव्यू में ना उसको बता दो सही बात, इंटरव्यू बोलो भाई मैं इसलिए बोला था कि मेरे को आप इंटरव्यू में बुला लो, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मेरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ है, अभी मेरे से जो पूछना है पूछ लो, वो भी उस सूरत में जब वो ज़्यादा आपसे करे, वरना अगर वो कॉमन से सवाल कर रहा है जवाब देते रहो, उसको सही बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या है नहीं है, अगर तो आपसे जावास्क्रिप्ट का सवाल पूछ रहा है वो तो आ गई ना सारी आपको, तो वो जवाब देते रहो, लेकिन अगर कहीं फंस जाओ वो बोले यार रिएक्ट आप कह रहे थे आपको आता है रिएक्ट, आपको तो नहीं आ रहा, बोलेगा ना फिर ये, तो फिर उसको असली बात बताओ, बोले यार मैं सीख रहा हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ इंटरव्यू, मेरे को बुला ले, कह रहे कहो भाई मैं टैलेंटेड हूँ, सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा, रख लो मेरे को थोड़े कम पैसे दे दो, मतलब 40,000 नहीं मांग रहा मैं, मेरे को 15-20,000 दे दो, 10,000 दे दो, रख लो बिठा लो, सीखता भी रहूँगा काम भी करता रहूँगा, ठीक है, चलो सब लोग नमाज़ पढ़ के आ जाओ, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं।